मुंबई से सटे ठाणे ग्रामीण के काशीमीरा रोड इलाके में सड़क पर एक संदिग्ध प्लास्टिक बॉल एक अज्ञात शख्स ने फेंका। बॉल गिरने के बाद तुरंत धमाका हुआ। ठाणे एटीएस क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस स्पॉट पर पहुंची तथा मटेरियल की जांच के लिए सैंपल लिया गया। किस शख्स ने ये बॉल फेंका, किस इरादे से फेंका, ये साफ नहीं हो पाया है। वहाँ पर 10 बजे के करीब एक बाइक वाला जा रहा था, वो बाइक वाला के सामने एक कोई तो चीज़ का ऐसा ब्लास्ट हुआ जैसा फटाका फूटता है, वैसा एक आवाज़ आया। इसके लिए उसने हमको कॉल किया, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद हमको ऐसा प्रथम दर्शनी लगा कुछ तो माइनर लो इंटेंसिटी का ऐसा कुछ तो ये हुआ है, इसलिए हमने कोई इंजर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए वो क्या हुआ है उसका हम तहकीकात कर रहे हैं। हमारे BDDS की टीम आके वहाँ पे सैंपल ले चुके हैं। दूसरी बात, हमारा ATS और ATC वो भी यहाँ पे लोकल क्राइम ब्रांच वो भी यहाँ पे आके वो क्या है क्या नहीं, उसके पीछे क्या मोटिव है, ये सब हम अभी तपास कर रहे हैं। वो अभी वो BDDS ने सैंपल लिया है, उसमें वो पता चलेगा क्या है। जो मटेरियल पुलिस को मिला है उसमें कुछ छर्रे वर्रे भी मिले हैं क्या स्पॉट पे? छर्रे नहीं है, ऐसा एक दो तीन गोली है, वो बॉल बॉल बेरिंग बॉल जैसा है, दो तीन मिले हैं ऐसा रोड के साइड में मिले हैं। अगर वो उसमें अगर रहेंगे तो उसका ये आएगा उसके ऊपर। शुरुआती क्या जांच में लग रहा है सर, किसी ने ध्यान भटकाने के लिए या किसी मस्ती के तौर पे ऐसा कुछ किया है? वो दोनों भी मोटिव हो सकते हैं, किसी ने मस्ती करने के लिए भी, क्योंकि उसमें इतनी तीव्रता नहीं थी। सर इस पर क्या मामला दर्ज कर रहे हैं? ये एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत हम मामला दर्ज करेंगे और उसका तपास कर लेंगे। इस संबंध में काश्मीरा पुलिस ने बताया कि ठाकुर मॉल से कुछ ही कदमों की दूरी पर मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर 10:14 पर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की जगह से गुजर रहे एक बाइक सवार ने काश्मीरा पुलिस को फोन कर ब्लास्ट की जानकारी दी। घटना के बाद स्पॉट पर फॉरेंसिक टीम ने आकर सैंपल लिया। जांच के बाद ही पता चलेगा कि ब्लास्ट में किस प्रकार का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया है। काश्मीरा पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।